Hi guys, welcome back to my channel. So, आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं जापानीज इंस्पायर्ड स्किन वाइटनिंग एंटी एजिंग फेस मास्क जो कि आजकल हर एक प्लेटफॉर्म पे काफ़ी ज़्यादा वायरल है. सो ये फेस मास्क आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है, सॉफ्ट करता है, नरिश करता है, आपकी स्किन को टाइटन अप करता है, ग्लोइंग बनाता है. ठीक है, सो अगर आप चाहते हैं बिल्कुल सीविड मास्क की तरह इस मास्क को घर पर बना के यूज़ करना तो सारे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो कीजिएगा. ठीक है, सो इस फेस मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए चिया सीड्स. ठीक है, चिया सीड्स को यूज़ करने का दो रीज़न है. सबसे पहले अगर आप सीविड मास्क को देखें हैं तो उसकी जो टेक्सचर होती है वो बिल्कुल क्ले के जैसी होती है. ठीक है, सो चिया सीड्स को भी जब हम सोक कर लेते हैं तो ये भी बिल्कुल क्ले के जैसा हो जाता है. एंड सेकेंड थिंग, ये एक स्किन वाइटनिंग मास्क है, एंटी एजिंग मास्क है. चिया सीड एक बहुत अच्छा एंटी एजिंग होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, बहुत सारे विटामिंस होते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपके स्किन से एजिंग के इफेक्ट्स को खत्म करता है. ठीक है, ये आपके स्किन से रिंकल्स, फाइन लाइंस को स्मूथ करता है. अगर आप इसको रेगुलरली अपने स्किन पर अप्लाई करते हैं तो ये आपके स्किन की इलास्टिसिटी को स्मूथ करता है, आपकी स्किन को टाइटन अप करता है. ठीक है, सो सबसे पहले आपको चिया सीड्स को ग्राइंड करना है. तो ग्राइंड करने के लिए मैं यहाँ पे 3 टेबलस्पून चिया सीड्स ले रही हूँ. आप अपने हिसाब से जितना आपको ग्राइंड करना हो ले सकते हैं. सो यहाँ पे ये भी एक टिप है, अगर आप बिल्कुल स्मूथ सीविड मास्क की तरह इस मास्क को बनाना चाहते हैं तो आप चिया सीड्स को ग्राइंड करके यूज़ कीजिए, फाइन पाउडर बना के यूज़ कीजिए. ये बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बन के रेडी होता है. ठीक है, तो इस तरीके से आपको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है. सो यहाँ पे मैं एक बाउल में ले रही हूँ 1 टेबलस्पून चिया सीड्स पाउडर. अपने फेस में अप्लाई करने के लिए 1 टेबलस्पून पाउडर काफ़ी है. नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क. तो यहाँ पे आप रॉ मिल्क भी ले सकते हैं और बॉयल्ड मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ पे बॉयल्ड मिल्क का यूज़ कर रही हूँ. सो आपको यहाँ पे धीरे धीरे करके मिल्क ऐड करना है क्योंकि चिया सीड्स वाटर हो या फिर कोई भी लिक्विड हो उसको बहुत तेज़ी से अब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है, तो आपको यहाँ पे रुक रुक के इसमें मिल्क ऐड करना है. जैसे जैसे ये अब्जॉर्ब होता जाएगा आपको इसमें मिल्क ऐड करते जाना है. ठीक है, चिया सीड्स इसलिए भी बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग होता है क्योंकि जब हम इसको वाटर के साथ या किसी भी लिक्विड के साथ सोक करते हैं तो ये उस लिक्विड को कम्प्लीटली अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है. एंड जब आप इसको अपने स्किन पे टॉपिकली अप्लाई करते हैं तो वही हाइड्रेशन ये आपकी स्किन को दे देता है जिससे कि आपकी स्किन हाइड्रेट हो जाती है, मॉइस्चराइज हो जाती है. ठीक है, सॉफ्टन हो जाती है. ऑल्सो जब आप चिया सीड्स को कंज्यूम करते हैं तो ये आपकी बॉडी को भी हाइड्रेट रखता है क्योंकि जो वाटर ये अपने ऊपर होल्ड करके रखा था वही वाटर, वही हाइड्रेशन ये आपकी बॉडी को दे देता है. ठीक है, जिससे आपकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रहती है एंड डिहाइड्रेशन पर आपको नहीं होता है. ठीक है, ऑल्सो चिया सीड्स के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं. वेल, आज हम लोग मास्क बना रहे हैं इसलिए आज हम लोग सिर्फ मास्क के बारे में बात करेंगे. इसी तरह से जैसे जैसे ये चिया सीड्स मिल्क को सोक करता जाएगा आपको इसमें मिल्क ऐड करते जाना है. ठीक है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप पहली बार चिया सीड्स को यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि ये कितना पानी को सोक करता है. ठीक है, सो ओवरऑल अगर आप 1 टेबलस्पून चिया सीड्स पाउडर लेते हैं तो उसमें आपको कम से कम 1/2 कप ऑफ मिल्क डालना है. ठीक है, एंड जब ये अच्छी तरह से सोक हो जाएगा देन हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून ग्लिसरीन. तो जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए तो ग्लिसरीन बहुत अच्छा होता है लेकिन अभी विंटर सीजन चल रहा है, विंटर्स में हर कोई ग्लिसरीन यूज़ कर सकता है. लेकिन अगर आप इसको विंटर्स के अलावा किसी और सीजन में बना रहे हैं और आपकी ऑयली स्किन है तो आप यहाँ पे ग्लिसरीन को अवॉइड कर सकते हैं. एंड देन यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं लेमन जूस. ठीक है, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून आलमंड ऑयल. ठीक है, ऑयल को डालने के बाद इसको आपको बहुत अच्छी तरह से स्टर करना है, अच्छे से मिक्स करना है. उसके बाद आप इसे 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट करने दीजिए ताकि इंग्रेडिएंट आपस में अच्छे से सोक हो जाए, अब्जॉर्ब हो जाए एक दूसरे में. उसके बाद आप इसको अपने फेस में अप्लाई करेंगे. तो फेस में अप्लाई करने से पहले आपको अच्छे से फेस को वॉश कर लेना है, क्लीन कर लेना है. उसके बाद आपको इसके अपने फेस में अच्छे से अप्लाई करना है. अप्लाई करने के बाद आप इसे कम से कम 40 से 45 मिनट्स के लिए, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 1 घंटे भी रख सकते हैं ताकि ये सारी चीज़ आपके स्किन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए. ठीक है, चूँकि मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए मेरे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ इसको 30 मिनट्स के लिए ही रखा है. लेकिन गाइस आप इसे कम से कम 1 घंटे के लिए रखिए एंड जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा तभी आप इसके अपनी स्किन से रिमूव कीजिए जिससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा. सो सीविड मास्क का तो नहीं पता लेकिन ये वाला मास्क अगर आप इसको ट्राई करते हैं एक बार तो आई एम श्योर आप इसके फ़ैन होने वाले हैं क्योंकि आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है, आपकी स्किन को टाइटन अप करता है, आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है. गाइस तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा. सो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इस वाले मास्क को हफ्ते में 2 बार ट्राई कर सकते हैं एंड बाकी स्किन टाइप वाले हफ्ते में 1 बार इसको ट्राई करेंगे. ठीक है, सो गाइस ये सिर्फ फर्स्ट एप्लीकेशन का रिजल्ट है. अगर आप इसको कंटिन्यू यूज करते हैं तो ये आप समझ सकते हैं कि आपकी स्किन के लिए कितना अच्छा होगा, ये आपकी स्किन को कितने अच्छे से रिजुवेनेट करेगा. ठीक है, सो आप सब इस मास्क को बना के यूज कीजिए एंड वापस आके अपने रिजल्ट मेरे साथ शेयर कीजिए कि आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिला इस मास्क से. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको 3 काम करना है. सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को
हिट कर लेंगे। गाइस बेल बटन को हिट करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको मेरी वीडियो वॉच कर पाएंगे, आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। ठीक है, सो या मैं जल्द मिलती हूँ अपने न्यू वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।